एमएमएस कंट्रोवर्सी के एक साल बाद बच्चे संग दिखी त्रिशाकर मधु। जी हाँ दोस्तों, एमएमएस कंट्रोवर्सी के एक साल बाद भोजपुरी एक्ट्रेस त्रिशाकर मधु एक बार फिर से एक बच्चे के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कुछ दिन पहले ही त्रिशाकर मधु ने बच्चे के साथ अपना एक वीडियो शेयर किया है। उनके वीडियो शेयर करने के साथ ही यूजर्स उनसे कई सवाल शुरू कर दिए हैं। हालांकि अभी तक वो अपने फैंस के किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं, लेकिन उन्होंने वीडियो को शेयर करने के साथ सिंगर नीलकमल को जरूर टैग किया है। इसके साथ ही उनके गाने को उसमें एडिट किया गया है। उन्होंने लिखा है, लिखा तोहरे के पापा कहा था। दरअसल भोजपुरी एक्ट्रेस त्रिशाकर मधु का पिछले साल एक एमएमएस वायरल हो गया था, जिसके बाद वो काफी सुर्खियों में थी। वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने उन्हें काफी ट्रोल किया और उन्हें गालियां भी दी। उनके प्राइवेट वीडियो को भी सोशल यूजर्स ने शेयर कर कई प्रकार के कमेंट किए। भोजपुरी एक्ट्रेस त्रिशाकर मधु इस विवाद के बाद वो रातों रात लाइमलाइट में आ गई थी। विवाद के एक साल बाद त्रिशाकर मधु ने फिर एक बच्चे के साथ अपने लेटेस्ट वीडियो में नजर आई है। उनके इस वीडियो पर कई प्रकार के सवाल खड़े होने लगे हैं। यूजर्स जानना चाहते हैं कि क्या त्रिशाकर मधु मां बन गई है। यूजर्स इससे जुड़े कई सवाल भी कर रहे हैं। एक्ट्रेस यूजर्स के ऐसे कई सवाल को डिलीट कर दिया है, लेकिन भोजपुरी एक्ट्रेस त्रिशाकर मधु ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो वीडियो शेयर किया है, उन्होंने लिखा है, लड़का तोहरे के पापा का था नीलकमल सिंह। इस पर एक यूजर्स ने लिखा, लड़का हो गिलका। इसके अलावा कई कमेंट्स को डिलीट और हाइड कर दिया गया है। बहरहाल त्रिशाकर मधु के इस वीडियो को अभी तक 9000 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अगर एक्ट्रेस के वर्क फ्रंट की बात की जाए तो जल्द ही रुद्रदेव में नजर आने वाली है।